नमस्कार दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 4.2% की क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक रेड कैंडल बन रहा है और पिछले कई दिनों से देखेंगे स्टॉक यहां पर क्लियरली एक ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों, जैसे कि आपके सामने मैंने चार्ट को लगाया वीकली टाइम फ्रेम पर, तो वीकली टाइम फ्रेम पर जब हम चार्ट को नोटिस करते हैं तो आप देख सकते हो स्टॉक यहां पर क्लियरली एक हायर हाई का कंडीशन बना के ऊपर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। सो यहाँ पर हम एक ट्रेलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि हायर हाई का कंडीशन बन रहा है और अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए आप देखेंगे 244 245 के इसके सामने रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है 208.50 के पास में। जब हम चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर नोटिस करते हैं तो देखेंगे स्टॉक बार बार अपना ट्रेलाइन को सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जब भी स्टॉक अपना इसी 245 का लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में तेजी का मूवमेंट बनेगा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे सपोर्ट लेवल की 221.70 के पास में और एक सपोर्ट लेवल 208.50 के पास में, राइट। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम बात करेंगे टारगेट की कि इस लेवल के ऊपर हमारे सामने क्या क्या टारगेट देखने को मिल सकता है, ऐसे तो स्टॉक में गिरावट बन रहा है तो मैक्सिमम संभावना है थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। लेकिन जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा 245 को तो क्या टारगेट बन सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला टारगेट आपके सामने रहेगा 267, दूसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 302, तीसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 337, नेक्स्ट टारगेट 358। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।